मिचेल स्टार्क एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हर बार अपने देश को खुद से ऊपर रखा है। क्रिकेट फैंस को बॉक्सिंग डे का वह मैच जरूर से याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पिछले साल दिसंबर के महीने में खेला गया था। इस मैच में स्टार्क ने अपनी मिडिल फिंगर में लगी चोट के बावजूद गेंदबाजी कर रहे थे। स्टार्क की उंगली से खून निकल रहा था, लेकिन वह अपने पैर से पोंच कर विपक्षी बल्लेबाजों पर रफ्तार का कहर बरपा रहे थे। ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला। दरअसल इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम को उनकी दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करने उतरी, तब स्टार्क चोटिल दिखाई दिए। कप्तान स्मिथ ने स्टार्क को सबसे पहले गेंद थमाई और यहां से उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों से कठिन सवाल पूछने शुरू किए। इसी बीच एक घटना कैमरे में कैद हुई। यहां स्टार्क की उंगली से खून निकलता देखा जा सकता है और वह अपनी उंगली से निकलते खून को पैंट में साफ करके फिर से बॉलिंग करते हैं। स्टार्क का यह वॉरियर वाला जज्बा एक बार फिर से देखकर सभी फैंस के बीच उनके लिए सम्मान बढ़ चुका है। स्टार्क का यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है और फैंस इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। बता दें कि लंच ब्रेक से पहले स्टार्क ने 2 ओवर गेंदबाजी की थी। भारतीय इनिंग के दौरान पहले सत्र में कुल 4 ओवर का खेल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का यह गेंदबाज लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी कर रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान स्टार्क एक कैच लपकने की कोशिश में खुद को चोटिल कर बैठे थे। यही कारण रहा वह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती 2 मुकाबलों में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। मैच की बात करें तो भारत ने पहली इनिंग में कुल 109 रन बनाए थे, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 197 रन जोड़े हैं।